नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ डिजिटल में। मैं हूं आपके साथ राकेश टंडन। आज सबसे ज़्यादा चर्चा अगर किसी चीज़ की हो रही है तो इस चीज़ की हो रही है कि आज जो पार्लियामेंट हमारी 75 साल की जर्नी है उसका आज एक अंत हो जाएगा। आज से के बाद, कल से यानी गणेश चतुर्थी के दिन से, नई संसद भवन जो बनी है उसमें सारी सिटिंग्स होगी, उसमें बहस चलेगी, उसमें बिल्स पास होंगे, उसमें नोकझोंक होगी और उसी में सारा कामकाज चलेगा, इस पुरानी संसद में नहीं चलेगा। तो आज का जो दिन था वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही जो एक जर्नी थी इस पार्लियामेंट की, उसको लेकर एक डिस्कशन रखा गया था, जिसकी शुरुआत लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की। लेकिन उसके पहले की बात आपको बताता हूँ, वो लगभग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10:15 और 10:20 के आसपास संसद परिसर पहुँचे। उन्होंने कहा कि बहुत महत्वपूर्ण है ये, और लगभग 3-4 बार उन्होंने जोर देकर कहा, उसके बारे में बाद में बताऊँगा कि क्यों बार बार कहा कि महत्वपूर्ण है। उन्होंने विपक्ष से भी कहा कि पॉजिटिविटी के साथ नए पार्लियामेंट में कल से शुरुआत करिए, नई ऊर्जा देखिए, ये हिंदुस्तान का वक्त है। उन्होंने चंद्रयान की भी बात करी और संसद के अंदर जब 11 बजे सत्र शुरू हुआ तो एक लगभग 50 से 55 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सदन को संबोधित किया। उसमें पुरानी बातें थी, संविधान सभा की बात थी, अम्बेडकर की बात थी, और आज जिस चीज़ पर सरप्राइज था, लगातार आलोचना जवाहरलाल नेहरू की हुई लेकिन आज उनकी भी तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी, नरसिम्हा राव की भी तारीफ करी, तो जितने भी पूर्व प्रधानमंत्री थे सबकी तारीफ करी, सबके काम का वर्णन किया, पत्रकारों की बात करी कि पहले जब बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी तो जो जर्नलिस्ट थे वही यहाँ की बातें पूरे देश को बताते थे, लिखते थे, लोग अखबार पढ़ते थे। बहुत भावुक पल था जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे और लगातार उन्होंने बताया कि ये सिर्फ एक परिसर नहीं है, ये लोकतंत्र की आत्मा है जहाँ हम और आप बैठे। और इसका कंपैरिजन भी किया, कहा इतनी बार, इतने सालों से यहाँ बातचीत हुई है, बात हुआ है, विवाद हुआ है, चर्चाएं हुई हैं, बिल्स पास हुए हैं, इन सब चीज़ों की चर्चा का एक शक्ति है इस परिसर के अंदर। और भावुक भी हुए, कहा जब हम इसको छोड़ के जाएंगे तो वो वैसा ही होता है जब आप एक घर में रहिए और बहुत सालों तक रहिए, नया घर भले ही ले लीजिए लेकिन जब आप उस घर को अलविदा कहते हैं पुराने, तो कई यादें उससे जुड़ी होती हैं। तो उन संसद की यादों पर भी उन्होंने बातचीत करी, पुराने मेंबर्स की उन्होंने बातचीत करी, जो बड़े फैसले थे उस पर भी बातचीत करी। तो एक लंबा चौड़ा उद्बोधन, इमोशनल आप कह सकते हैं था। हालांकि विपक्ष को भी उन्होंने घेरा, उन्होंने कहा कि ये वही सदन है जहां कैश फॉर वोट हुआ था, ये वही सदन है, एक तरफ इंदिरा गांधी की तारीफ करी, कहा बांग्लादेश बनाने के लिए भी इस सदन का उपयोग हुआ और इमरजेंसी लगाने का भी फैसला यहीं पर बताया गया। तो जो अच्छी चीज़ें थी वो भी बताई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और जो थोड़ी चीज़ें कड़वी थी उसका भी जिक्र किया। लेकिन कुल मिलाकर जो एक्सपीरियंसेस था MPs ने शेयर किया आज सदन के आखिरी दिन। अब कल से नए सदन की शुरुआत होगी, सारे MPs वहीं बैठेंगे और उम्मीद ये की जा रही है कि जो स्पेशल सेशन है इसमें कुछ सरप्राइज एलिमेंट भी सरकार की तरफ से आ सकता है, जैसे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल। शुक्रिया।